तो हेलो दोस्तों, पीछे स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके डीटेक पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले जो कि आईटी पास आउट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है उसी के बारे में। दोस्तों आईटी पास आउट के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के, यानी कि जो होंडा कंपनी है वहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों आखिरकार क्या क्वालिफिकेशन होंगे आपकी, साथ ही साथ क्या आपकी क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्या आपकी सैलरी होंगी, सब कुछ जानकारी जो हम वीडियो के आगे की ओर देखने वाले हैं। दोस्तों आप भी अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आईटी से रिलेटेड जितने भी जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसे कि दोस्तों आपको जो कंपनी ने मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, होंडा कार प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि दोस्तों एक कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जहाँ पे आपको वैकेंसी मिल रही है। उसके बाद दोस्तों जॉब लोकेशन जो है होंडा राजस्थान, यानी कि दोस्तों जो होंडा का जो शोरूम होगा राजस्थान का वहाँ पे आपके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है SSC बोर्ड रेगुलर 50% से, और साथ ही साथ दोस्तों आपका आईटीआई पास होना जरूरी है। यानी कि दोस्तों अगर आप आपके 10वीं में परसेंट 50% के ऊपर नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो सकते। उसके बाद दोस्तों आईटी में आपके 60% होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों कौन से ट्रेड के लिए निकल के आ रही है, दोस्तों जो ट्रेड है फिटर है, टर्नर है, PPO है, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, टूल टाइम मेकर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल, पेंटर, जनरल, ऑटोमोबाइल, दोस्तों जितने भी ट्रेड दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर वो सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में आपको एज लिमिट मांगी गई है, जहाँ पे आईटीआई पास आउट 2019 एंड 2020 ओनली। यानी कि दोस्तों अगर आपका आईटीआई पास आउट 2019 और 2020 में हुआ है तभी आप यहाँ पे फॉर्म कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये जनरल की बात करते हैं, ओनली मेल कैंडिडेट का लिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ अगर आप फीमेल हो, अगर आप कोई भी जो होंगे अगर चाहते होंगे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करने के, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट जो होंगे दोस्तों आपके 10th की मार्कशीट लगेंगे, आईटीआई मार्कशीट, बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 5 पासपोर्ट साइज। दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट जो है बाबा योगेंद्र देव प्राइवेट आईटीआई त्रमंडल गोरखपुर में है। कैंपस प्लेसमेंट की जो डेट है दोस्तों 4 जनवरी 2022 को ठीक 9 बजे से स्टार्ट होने वाला। आई होप दोस्तों आज की वैकेंसी आपको अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।